गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज की क्लास में हम अपना पार्ट पहला शुरू करेंगे। वो और इससे पहले जो हम कर रहे थे वो कर रहे थे हम पुनरावृत्ति, तो वो आपका रिवीजन है जो आपने सेकंड क्लास तक जो भी पढ़ा है उसका रिवीजन है। और इसमें कुछ क्वेश्चन आपको आपके हिसाब से आपको थोड़े हार्ड भी लगेंगे, इसलिए हम जब आगे क्वेश्चन हमारे पास टाइम बचेगा या जब हम हमारे पास ये हमारे जो सिलेबस कम्प्लीट होने के बाद या तो मैं तब करवा दूँगी आपको या आप खुद एक बार कर लेंगे, ठीक है। हम इसको बाद में कर लेंगे, पहले हम अपना जो सिलेबस है उसमें पार्ट पहले से हम शुरू करते हैं। पार्ट पहला है पांच अंकीय संख्याएं। पार्ट क्या का नाम क्या है? पांच अंकीय संख्याएं। तो पांच अंकीय संख्याएं, इसमें सबसे पहले जो आपका इस तरीके से आपको जो प्रश्न दिए हुए हैं इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरीके से है। यहाँ पे आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा इस तरीके से जो होता है ना उसको क्यूब जो होते हैं एक मतलब शेप के थ्रू आपको बताया गया है। मतलब अगर आपको कोई प्रश्न है और उसमें इस तरीके से आपके बनी हुई है, इस तरीके से घन जैसे घन वाली शेप ही देख लो आप, इस तरीके से कोई अगर शेप बनी हुई है इस तरीके से ना, तो इसमें आप इसका मतलब क्या होगा देखो, इस एक का मतलब एक घन का मतलब होगा एक इकाई। इस एक घन का मतलब क्या होगा? एक इकाई। और अब जितने घन बने हुए हैं, मान लो अगर आपको यहाँ पर तीन ये घन बने हुए हैं, तीन घन की शेप बनी हुई है, एक दो तीन, तो कुल मिलाकर कितनी इकाई हो गई? तीन इकाई। कुल मिलाकर कितनी इकाई हो गई? तीन इकाई। इस एक घन का मतलब होगा एक इकाई, ठीक है। इस एक घन का मतलब क्या होगा? एक इकाई। अब जैसे अगर मान लो यहाँ पे हो गया कि इस तरीके से ही घन वाली जो आपकी जो शेप है, इसी तरीके से यहाँ पे अगर ये दस घन बने, आपको जैसे बता देती हूँ यहाँ पे आप समझ लो दस बने। मैं अभी आपको यहाँ पे सिर्फ ऐसे ऐसे बना के बता रही हूँ, मैंने हैंड दे दो तीन चार पाँच छः थोड़ा और अगर सात इसको शामिल कर लेते हैं, आठ नौ दस, मैंने ऐसे बना रही हूँ क्योंकि मैं फॉर्मेलिटी के लिए, ठीक है। अब मान लो एक ही लाइन में आपको दस घन बने हो, तो मैंने बताया एक, इसका मतलब क्या होता है? एक घन का मतलब एक इकाई। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, तो कितनी इकाई हो जाएगी? दस इकाई। तो इसमें यहाँ पे दस इकाई का मतलब क्या होता है? दस इकाई को हम और क्या कह सकते हैं? दस इकाई का मतलब होता है एक दहाई। दस इकाई का मतलब क्या होता है? एक दहाई। अब आप कैसे समझोगे इस बात को? आपको इसमें रटने की जरूरत नहीं है। जब आप करते हैं इकाई दहाई, तो इकाई का मतलब क्या होता है? इकाई वाली जो भी संख्याएं होती है एक से नौ तक, इसमें कोई भी एक क्या होती है? एक अंकीय संख्या होती है। एक अंकीय संख्याएं होती है ना, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, ये सारी एक अंक की संख्याएं होती है, इनके पीछे कोई जीरो नहीं लगता है ना, तो ये एक अंकीय संख्या हो गई, ठीक है। तो इकाई की संख्या में कभी भी जीरो नहीं लगता। अब जैसे दहाई है, तो ये इकाई का अंक मतलब एक, एक को हम अगर दहाई का मतलब क्या होता है? दस, जिसके पीछे एक जीरो लगा हुआ। जैसे अगर तीस है, चालीस है, पचास है, जो भी है जिसके पीछे एक जीरो लगता है वो दहाई की संख्या होती है ना। तो अगर हम एक को यानी इकाई की जो उनकी जो संख्या है उससे अगर हम क्या करें, दस इकाई को गुणा करें एक इकाई से हम, यानी इसका मतलब है एक से अगर हम दस को गुणा करते हैं तो हमारा कितना उत्तर आता है? हमें उत्तर मिलता है दस। तो एक ये दस इकाई, मतलब ये भी इकाई में दस इकाई, दस इकाई अगर हम दस इकाई करते हैं तो दस इकाई का अगर हम एक को दस से गुणा करते हैं, दस इकाई से गुणा करते हैं, तो हमारा जो उत्तर आता है वो हमें हमारा उत्तर आता है दस। तो हम इस चीज़ को ऐसे भी कह सकते हैं, दस इकाई मिलकर क्या बनती है? एक दहाई। दस इकाई मिलकर क्या बनती है? एक दहाई, ठीक है। ये होता है ना, क्योंकि देखो एक गुणा दस, दस इकाई मिलकर क्या बनती है? एक दहाई। एक दहाई क्यों बनेगी? दस इकाई मतलब दस गुणा एक, क्योंकि इसमें क्या होता है इकाई में एक ही संख्या होती है ना, मतलब उसके पीछे हम जीरो नहीं लगाते हैं ना, तो इसलिए हम दस इकाई को एक से गुणा करने पर हमारा जो उत्तर आता है वो हमें दस मिलता है। और दस का मतलब क्या हो गया? दहाई, ठीक है। अब जैसे अगला प्रश्न, अब अगर ये करें दस दहाई मिलकर क्या बनता है? दस दहाई मिलकर क्या बनता है? दस का मतलब ये, दहाई का मतलब दस, दहाई का मतलब क्या होता है? दस
कैसे होता है 10 दहाई का, मतलब यहाँ पे 10 का 10 लिख दिया, दहाई का मतलब 10 होता है, इसलिए 10 से 10 गुणा करने पर 100 आता है। 100 का मतलब क्या होता है, 1 सैकड़ा। इसमें भी ऐसे था, 10 इकाई मिलकर 10 इकाई मतलब 10 इकाई यानी 10 गुणा इकाई में क्या होता है, 1 ही तो होता है, इसलिए 10 से 1 गुणा करने पर 10 आया। तो 10 कब आता है, दहाई में, इसलिए 1 दहाई होता है इसका मतलब। ऐसे इसी तरीके से चलता रहता है, 10 दहाई के बाद क्या आता है, 10 सैकड़ा। 10 सैकड़ा का मतलब 10 सैकड़ा। 10 सैकड़ा को आप भी क्या कह सकते हैं, 10 सैकड़ा को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं गुणा में, तो 10 का 10 सैकड़ा में कितने होते हैं, 100। गुणा करने पर क्या आता है, 1000। 1000 का मतलब यहाँ पे वही आएगा, आपको क्या मिलेगा, 10 सैकड़ा का मतलब क्या होता है, 1000 होता है। 10 सैकड़ा का मतलब भी क्या होता है, 1000 होता है। इसी तरीके से चलता है, बट आपको क्या करना है, अगर मैंने आपको बता दी, एक अगर घन बना हुआ है तो आपको समझ लेना है कि वो क्या है, 1 इकाई। आपको उससे क्या मतलब रखना है, 1 इकाई, ठीक है। बाकी अगर आपको इस तरीके से कोई शेप बनी हुई हो जिसमें जैसे वर्ग 10, इस वाली लाइन में भी 10 वर्ग बने हुए और इन सारी लाइन में भी क्या हो, 10 10 वर्ग बने हुए। ऐसी अगर कोई आपको शेप बनी हुई होगी तो उसका मतलब आपको समझ में कहना है, इसका उत्तर क्या आएगा, देखो इसमें क्या, एक इस शेप का मतलब, इस घन का मतलब या वर्ग का मतलब क्या होता है, 1 इकाई। 1 इकाई 2 3 4 5 कुल मिलाकर कितना है, 10। तो 10 इकाई होगी ना, 10 इकाई का मतलब, 10 इकाई का मतलब क्या होता है, 1 दहाई। 1 दहाई हो गया ना 10 इकाई। और ऐसे ही और भी जितनी इकाई वहाँ बनी हुई होगी यहाँ पे 1 में 10, तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, 1 दहाई। 1 दहाई। और इसी तरीके से 10 लाइन बनी हुई है तो 10 दहाई हो जाएगा। 10 दहाई को हम कैसे कर सकते हैं, 1 सैकड़ा भी कहते हैं। 10 दहाई को हम क्या कहते हैं, 1 सैकड़ा भी कहते हैं। और अब ध्यान रखना, अगर इस तरीके से छोटे छोटे आपको इस तरीके से बने हुए हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 में आपको ये बताया गया है, तो इस तरीके की अगर शेप बनी हुई हो तो ये आपको 1000 में लिखना है। इसका मतलब क्या हो गया, 1000, ठीक है। जितने आपको वर्ग बने हुए होंगे इस तरीके से, अब हम अभ्यास जो है शुरू करते हैं। 1.1 अभ्यास शुरू करते हैं। 1.1 पहला जो प्रश्न है उसमें दोनों को भरना है। पहला जो प्रश्न है इसमें क्या है, प्रश्न का इसमें ना मैं आपको शेप तो स्टूडेंट बना के बता सकती हूँ, चलो मैं बनाई देती हूँ इस तरीके से है, फिर शेप तो घर वाली ही बनी, ठीक है ना। अब एक जो चीज मैं बताती हूँ, इसमें भी क्या होगी, कुल मिलाकर संख्या जो क्या होगी वो कितनी होगी, 10 होगी। इसमें भी 10 होगी, इसमें भी 10 होगी। 10 लाइन 10 पंक्तियाँ होगी दोनों ऊपर नीचे से, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आपको, इसका मतलब, इस एक का मतलब आपको समझना है, 1000 2000 और ये 3000, कुल मिलाकर कितने बने हुए हैं इस तरीके से घन, 3। तो यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो 1000 लिखा हुआ है पहले से, तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 3। यहाँ पे जो सिलेंडर है इसमें आएगा बॉक्स में क्या है, 3। अब इसको अंकों में लिखना है, अंकों में, तो यहाँ पे अंकों में इसको लिखेंगे 3000। 3000 को ऐसे लिखते हैं, और शब्दों में कैसे लिखेंगे, इसको शब्दों में लिखेंगे 3000, ठीक है, इस तरीके से। अगला जो है हमारा इसमें है, इस तरीके से बॉक्स बने हुए हैं बस इस तरीके से, और इनमें छोटे छोटे से ये इस तरीके से वर्ग वाले बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है। तो अगर सिर्फ इस तरीके से घन आपको, घन की ही शेप नज़र नहीं आए, तो इसका मतलब आप लोगों की सैकड़ा, 1 2 3 कितने सैकड़ा हो गए, 3। यहाँ पे सैकड़ा लिखा हुआ है, तो आप इसमें क्या
प्रश्न जो चौथा मतलब इसी में आगे प्रश्न है उसमें इस तरीके से छोटी 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 10 बने तरीके से ऐसे एक और लाइन बना बनेंगे ऐसे एक और तो ये कितने हो गए इस एक का मतलब क्या होता है एक इकाई 10 हो गई तो 10 इकाई 10 और ये 20 इकाई लेकिन इसमें क्या लिखा होगा दहाई 10 इकाई का मतलब क्या होता है एक दहाई 10 इकाई का मतलब क्या होता है एक दहाई तो होता है क्योंकि 10 को 1 से गुणा करने पे इकाई को में हम 1 से गुणा करते हैं तो 10 गुणा 1 तो क्या आता है उत्तर 10 तो इसको हम क्या बोलते हैं 10 इकाई या एक दहाई और एक कितनी दहाई हो जाएगी 2 दहाई कितनी दहाई हो जाएगी 2 दहाई और जो इसमें आप लिखोगे अंकों में वो लिख देना 20 और शब्दों में लिखना आगे जो है इसमें कितनी बनी हुई है 5 बनी हुई है इस तरीके से तो आप लिखोगे यहाँ पे इकाई कितनी है 5 इकाई कितनी है 5 इकाई में लिखोगे आप 5 ठीक है और इसको शब्दों में अंकों में लिखोगे 5 और शब्दों में लिखोगे इसको 5 अगर एक आपको वर्ग नजर आ रहा है तो इसका मतलब इकाई होता है इस तरीके से ये एक इकाई 10 कुल मिलाकर 10 है एक इकाई का मतलब होता है सॉरी 10 इकाई का मतलब होता है एक दहाई तो 2 दहाई हो जाएगी और ऐसे इस तरीके से बने हुए और इसके अंदर भी ऐसे बने हुए हैं तो फिर इसका मतलब सैकड़ा और 3 इस तरीके से घर बने हुए हैं और इसके अंदर भी आपको वर्ग बने हुए नजर आ रहे हैं तो उसको हजार देना है ठीक है जो दूसरा प्रश्न है वो है अबेकस वाला अबेकस में अंकों और शब्दों में लिखना है तो प्रश्न दूसरा भी करते हैं प्रश्न दूसरा है उसमें अबेकस में बताना है सैकड़ा वाली है सैकड़ा को हम 100 होते 400 ये क्या 5 और 5 55
रूपों में लिखना है वो है ये यहाँ पे, इसको गिनेंगे ये 6 है, इनको गिनेंगे ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है। तो इसको लिखेंगे शब्दों में, ये पहले संख्या क्या लिखी हुई है यहाँ पे, 5,556। ठीक है, इस तरीके से आपको पढ़ना है। ये हो गया आपको प्रश्न दूसरा। लेकिन आपको प्रश्न जो पहला है वो अपनी बुक में करना है, सिर्फ किताब में करना है, और प्रश्न जो दूसरा है वो अपनी कॉपी में करना है।